नमस्कार, आवाज न्यूजमध्ये सर्वांचं स्वागत. मी आकाश भोसले. खरं तर आपण प्रसारमाध्यमातून पाहिलं की रिपब्लिकन टी व्हीचे संपादक अर्णब गोस्वामी यांनी काँग्रेसच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी यांच्याविषयी आक्षेपार्ह वक्तव्य केलं. त्याबाबत अर्णब गोस्वामी यांच्यावरती तक्रारीसुद्धा दाखल झालेल्या आहेत. खरं तर माजी न्यायमूर्ती बी जी कोळसे पाटील यांनी एक आपल्याकडे प्रतिक्रिया दिलेली आहे. ते त्यामध्ये म्हणत आहेत की अर्णब गोस्वामींचं हे पहिलं प्रकरण नाही आहे. ते धार्मिक ध्रुवीकरणाच्या, देश बिघडवण्याच्या गोष्टी करत राहतात. या अगोदर माजी न्यायमूर्ती पी बी सावंत यांच्याबाबतसुद्धा त्यांनी असं आक्षेपार्ह विधान केलं होतं. त्याबाबत सावंत यांनी अब्रुनुकसानीचा दावासुद्धा दाखल केला होता. खरं तर ते तो एक प्रसंग बी जी कोळसे पाटील यांनी सांगितलेलं आहे. आणि याचबरोबर खरं तर माध्यमं आज काय करत आहेत, माध्यमांनी काय करायला हवं याबाबतचा एक सल्लासुद्धा कोळसे पाटलांनी दिलेला आहे. खरं तर कोळसे पाटील काय म्हणत आहेत आपण पाहूया. अर्णब गोस्वामीने सोनिया जी के बारे में जो स्टेटमेंट किया, नीचता की हद होती है, वो हद के बाहर गया है. अर्णब गोस्वामी इसने ऐसा ही मेरे गुरु जस्टिस सावंत पर ऐसी मिसचीफ करी थी. सावंत बहुत नेक आदमी है, उन्होंने उसके खिलाफ 100 करोड़ का कोर्ट में दावा दाखिल करा था और कोर्ट ने उनको 100 करोड़ कॉम्पेंसेशन दिया. कॉम्पेंसेशन देने के बाद टाइम्स ग्रुप हाईकोर्ट में गया. हाईकोर्ट ने कहा कि जो आपको फाइन हुआ है वो डिपॉजिट करो, तब हम अपील एडमिट करेंगे. ये उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गए और वहां भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो नियम है फर्स्ट अपील का वो है, आप डिपॉजिट करो और अपील बाद में सुनेंगे. ये अर्णब उसके बाद मेरे घर आया. हम सब मिलके जस्टिस सावंत को मिले. सावंत बोले कि तेरा 1 रुपया भी मुझे नहीं चाहिए, तो लेकिन तू ऐसी बदनामी करता है. कल सोनिया जी के बारे में जो बोला, ये इनकी ये बोलने की हिम्मत कैसी होती है? हम सब भारतीय इतने नपुंसक हो गए. अरे सोनिया जी ने अन्न सुरक्षा कानून लाया, राइट टू इन्फॉर्मेशन कानून लाया, राइट टू एजुकेशन कानून लाया, मनरेगा लाया, बहुत अच्छा भू संपादन कानून लाया, और भी अनेक कानून है जो भारत के आज जो मोदी की प्रशंसा कर रहे हैं, सराहना कर रहे हैं मूर्खता की वजह से. वो सब कानून का फायदा तो आप लोग ले रहे हैं और वो कानून इंप्लीमेंट नहीं करने का मोदी ने एक, जिसको बोलते हैं कि सुपारी ली है कि नहीं ये कानून हम इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, तो भी उसको मनरेगा इंप्लीमेंट कर रहा है. आज मैं बोल रहा हूं कि हमारे धान के कोठार भर के बाहर धान सड़ रहा है, सब गरीबों को बांटो तो बांटता नहीं. तो ये कानून कौन ला सकता है कि जिनको गरीबों के प्रति जिनके दिल में संवेदना है वो ला सकती है. वो सोनिया गांधी के खिलाफ बोलने में, मैं सोनिया गांधी राहुल जी सबसे, मुझे सोनिया जी से मुझे पर्सनल मेरे उनके संबंध है. वो बोलते हैं कि सर हम भी माफिया के घेराव में, हम भी जेल बैठा हम महसूस करते हैं, क्योंकि जो भी आता है हमें कुछ मांगने आता है. कि कांग्रेस की यही तो मुसीबत है कि कांग्रेस वाले कुछ करते नहीं, गांधी फैमिली के सिवाय उनकी राजनीति चलती नहीं. गांधी फैमिली का एक आधा आदमी मरा तो अच्छा कि उसको वोट्स मिलते हैं, और उनके नाम पर देश को वो भी लूटते हैं. लेकिन लूटने का तरीका मोदी का और उनका कितना अलग है, आपने अभी देखा होगा. 2014 के पहले का भारत और 2014 के बाद का भारत, स्वतंत्रता के बाद इतिहास लिखेंगे तो अलग लिखना ही पड़ेगा.
सोनिया जी ने जो देश के लिए अच्छा काम किया है, नेहरू गांधी फैमिली ने जो देश के लिए अच्छा काम किया है, वो कोई मिटा ही नहीं सकता। तो भी ये अर्णव गोस्वामी जैसा कुत्ता ये हिम्मत करता है तो इसके पीछे कौन है हम समझ सकते हैं। तो मैं कहता हूं कि आज देश भर में उसके खिलाफ निषेध होना चाहिए, और जैसे जस्टिस सावंत ने अर्णव गोस्वामी के खिलाफ 100 करोड़ का मुकदमा दाखिल किया था, वैसा मैडम के लिए भी देश भर के कांग्रेस वालों ने देश भर में गोस्वामी के खिलाफ क्रिमिनल और सिविल दोनों कोर्ट में जाना चाहिए, ताकि संवेदनाशील नेताओं को भी अच्छा लगता है कि हमारे लिए जनता कुछ कर रही है।